दो दोस्त मिले आपस में दोस्त ने कहा भाई आम का टाइम आ गया आम खाएं हाँ चलो आम खाते तो नौकर से बोला आम आ गए अब आम सामने आए तो आम खाने चालू किए तो खाते खाते कह रहे भाई मजा नहीं आ रहा इस आम में आम तो होता है हाफूज बंबई से आता महंगा बड़ा है स्वाद तो हाफूज है ठंडा किया हो साथ में लस्सी हो साथ में गरम-गरम परौंठा हो परौंठे वगैरह तो पंजाबी सोच नहीं सकता है ना विद आम फिर स्वाद आता है बड़ा स्वाद आता है और फिर ये भी याद आ जाएगा वो पिछले साल आम बड़े महंगे थे इस साल पता नहीं कैसा होएगा फिर यही बात नहीं रुकेगी महंगाई देखो कितनी हो गई है जमाना कैसा बुरा हो गया है एक समय में हम पचास रुपए में पेटी ले लेते थे, थे अब पचास रुपए में एक आम भी नहीं आता है बात यहां भी नहीं रुकेगी और आगे चली जाएगी वो तुझको याद है ये पिछली सरकार में कितनी महंगाई बढ़ी थी ये सरकार बड़ी बुरी है तो जितने उसके नेता हैं सबको याद करेंगे आम खाना भूल जाएंगे वो पता नहीं किस किस पचड़े में पड़ जाएंगे आम बैठा वहीं बेचारा कह रहा भाई पहले मुझे खा तो ले पहले मुझे खा तो ले एक पति पत्नी बैठे खाना खाने वास्ते पति ने कहा मुझे बैंगन की सब्जी खानी है बघारे बैंगन हैदराबादी वो बना दियो पत्नी ने रेसिपी ली कहीं से बढ़िया वाले बैंगन बनाए टेबल पे रखा दोनों पति पत्नी खाना खाना शुरू किए तो वो खाते खाते कहते हैं बने थे आज ठीक ने अच्छे बने क्यों अग्नि चंगा नहीं बना दी मैं नहीं नहीं मतलब ये नहीं है आज थोड़े ठीक बने नहीं 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 तेरा कहने का मतलब क्या है तू बोला कैसे ये सब तेरी माँ की कारस्तानी है उसने कान तेरे भरे हैं और जो चालू हो गया बहंगन बेचारा वही टेबल में है और पति पत्नी एक दूसरे का दिमाग चाट रहे हैं और लड़ाई इतनी बढ़ गई इतनी बढ़ गई कि पहले बच्चे इकट्ठे हो गए घर में एक क्या हो गया मम्मी पापा को फिर पड़ोसी हो गए एक क्या हो गया इनको फिर फोन हो गया मामे चाचे ताए आ गए जल्दी आओ मम्मी पापा की लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही मन किसी एक चीज पर नहीं रुकता ये मन का स्वभाव है वेन योर माइंड इज अनट्रेनड देन इट रेसिस लाइक अ वाइल्ड हॉर्स जंगली घोड़े की तरह ये बेकाबू हो के सरपट दौड़ता है और फिर ये टिकता नहीं है और फिर जरा जरा सी बात में ये आपको भी दुखी करता है और साथ ही ये अपने आस पास जो लोग होते हैं वे उनको भी उतना ही दुखी करता है चाहिए हमको आनंद लेकिन हम अपनी अज्ञानता की वजह से अपने आसपास दुख खड़ा कर लेते हैं हम चाहते नहीं हैं दुखी होना कोई नहीं चाहता दुखी होना इस संसार में कोई जीव दुखी होना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी हम अपनी बेवकूफ़ी से अपने आप को दुख के गहरे कुएं में गिरा लेते हैं रीजन्स दो कारण एक हम हमेशा दूसरों को देखते हैं दूसरों से प्यार मिले दूसरों से इज्जत मिले दूसरे मुझे अच्छा कहें दूसरे मेरा सम्मान करें तो जब तक आपका मन दूसरे के साथ अटका हुआ है आपको आनंद कभी नहीं हो सकता लेसन नंबर टू हम दूसरों से अपने मन को हटाएंगे कारण है उसका अब ऐसे समझो तुम हो सेंटर में और तुम्हारे मन के विचार हैं तुम्हारे आसपास तुम कहते हो मैं ना बैठ के करूंगा सिमरन ध्यान लगाऊंगा आ बैठ गए ए आया मन का एक विचार ए मारा धक्का फिर इधर से दूसरा आया मन का विचार ए मारा धक्का फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर छठा तो थप्पड़ खा के ना फिर अखा खोल लें छे नो यूज ये हमारे बस का रोग नहीं कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस है हाथ खड़ा करिए अब <laughs> आनंद उत्सव है कि नहीं <laughs> खूब खेलेंगे हसी बा खेली बा ध्यानम गुरु गोरखनाथ का ये वचन है वो कहते हंसते हुए खेलते हुए हम ध्यान की स्थितियों को पहुंच जाएंगे ध्यान सीरियस मैटर नहीं है लंबे लंबे चेहरे उदास शक्लें करके बैठने का नाम ध्यान नहीं होता है और बात बात पे गुस्सा खाना अरे मैं बैठा हूँ भजन करने या किसने रेडियो लगा दिया या किसने टीवी लगा दिया या किसने फोन चला दिया ये कौन जोर जोर से बोल रहा है अगर इस तरह तुम गुस्से से फटते रहते हो तो इसका नाम ध्यान नहीं है मन में अगर बहुत से विचार चलते रहेंगे तो यही होगा जो अभी आपने इस डिमॉन्स्ट्रेशन में देखा यू नो इधर से धक्का 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 तो टिक के आप बैठ नहीं पाते और आपको परेशान कोई और नहीं करता है आपका अपना मन करता है किस वजह से क्योंकि मन हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है दूसरे मुझे पूछते नहीं दूसरे मुझे प्यार नहीं करते दूसरे मेरी इज्जत नहीं करते मैं कितने लोगों को मिलती हूँ पचास से ऊपर हैं साठ के ऊपर हैं घर है बच्चे हैं बहुएं हैं पोते हैं पोतियाँ हैं पैसे हैं, गाड़ी है सब कुछ है पर फिर भी दुखी हैं क्यों बेटे पूछते नहीं हैं बहू इज़्ज़त नहीं करती है पोता पोती कुछ बताते नहीं हैं अपने आप घूमते फिरते रहते हैं हम तो बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं हमारी कोई जगह नहीं रह गई हमारी क्या औकात रह गई अब अंदर दुख होता है और फिर वो बाहर गुस्से में निकलता रहता है फिर ज़रा जरा सी बात पे और जितने ज़ोर से आप गुस्सा करते रहते हैं आपके संबंधी आपसे और दूर चले जाते हैं कहते बाबा जी नु बाबा जी को पूछो कि वो चाय पियेंगे तो पोता कहता मैं तो नहीं जा पूछता बाबा खानू नू मैं नहीं पूछता तुम जाओ तुम पूछो हूँ तू बहू है उसकी माँ तू जा पूछ मैं नहीं पूछता बेटे से कहा पत्नी अपने पति से वो कहती है कि मैं तो किचन में हूँ तुम जाओ जाके बाबा जी से पूछो चाय पियेंगे कौन पूछे आवाज दे ले यहीं से जवाब जो आ जाए वैसा कर लेना मैं नहीं जाता पूछने वो हिसाब मांगेगा मेरे से दुकान का कितने ग्राहक आए कितने पैसे आए कितना जमा किया कितना खर्चा किया ये क्यों किया वो क्यों किया वो मुझे चिक चिक नहीं सुननी देखिए जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़े उसकी अकल बढ़नी चाहिए उसके तजर्बे के साथ उसकी बुद्धि बढ़नी चाहिए उसका ज्ञान बढ़ना चाहिए उसकी खुशी बढ़नी चाहिए और अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे आदमी को कौन नहीं मिलना चाहेगा बताओ जिसके साथ मिलके खुशी तुम्हें हो जिसको देख के खुशी तुमको हो जिससे बात करके तुमको खुशी हो जाए तुम ऐसे इंसान से क्यों नहीं मिलना चाहोगे पर सवाल यह भी उठता है कि क्या आप वैसे इंसान हैं कि दूसरे देख के मिल के खुश होते हो क्यों ओ, मिलो तो शिकवे शिकायत मिलो तो और शिकवे शिकायत किस बात के मुझे पूछा नहीं मुझे पूछा नहीं तो मन से दूसरों का ख्याल हटाना आपको स्वतंत्र कर देगा ये जो धक्के पड़ रहे हैं ना अंदर से ये धक्के पड़ने ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे क्योंकि आपका ध्यान दूसरों पर ना होके अपने ऊपर होने लग जाएगा उदाहरण ले गए हम कि अगर हम से 50 साल जीते हैं तो 50 साल जीने का मतलब ये हुआ कि पच्चीस सौ शनिवार और इतवार तुम्हारी जिंदगी में आएंगे सिर्फ और उन 2500 सौ इतवार और शनिवार को आपने पिक्चर देखने लड़ाइयां लड़ने शिकायतें करने और नाराजगियों पालने में बिता लिए तो बच्चे जिए क्या फिर तुम तुमने अपने हाथ से खुद अपनी जिंदगी को खराब कर लिया बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है हमारे पास 500 साल की उम्र नहीं है हमारे पास बहुत कम उम्र है तो उस कम उम्र को हम क्वालिटेटिवली बहुत अच्छा कर ले नॉट क्वांटिटेटिवली, इफ यू लिव से हंड्रेड ईयर्स कछुआ 400 साल तक जिंदा रह लेता है पर कछुआई रहता है एंड ऑफ द डे तो आप भले 50 साल जिए भले 20 साल जिए भले 70 साल जिए लेकिन आपके उम्र में कुछ गहराई होनी चाहिए आपके जीवन में कुछ जीवन होना चाहिए जैसे मैंने सुबह कहा अगर आप दूसरों को देखते रहेंगे उन्हें की खादा उन्हें की पाया ओत तो गया अगर उन्हें 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 करते रहोगे तो तुम्हारी अपनी जिंदगी हाथ से निकल जाएगी और यही हो रहा है सबके साथ मन में इतने गम हैं मन में इतने दुख हैं मन में इतनी शिकायतें हैं पर कुछ लोग हमेशा अपने मुँह पे ना जिप लगा के रखते हम बोलेंगे कुछ नहीं साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं जो आदमी ज़्यादा हंसे वो ज़्यादा डिप्रेस है इसलिए ज़्यादा हंस रहा है क्योंकि उसकी हंसी सच्ची नहीं होगी जो जितना ज़्यादा दुखी होता है वह अपने दुख को छुपाने के लिए उतना ज़्यादा मुस्कुराता है क्योंकि हमारे दिल पर कितने ज़ख्म लगे हैं किसी को दिखाने में भी शर्मा आती है तो वह अपने हिस्से के दुख झेलता रहता है अपने हिस्से के जो तकलीफ़ें होती हैं जो रिश्तों की कमियाँ होती हैं और फिर मन में क्या है इच्छाएं बहुत होती हैं बहुत इच्छाएं होती हैं और वो पूरी नहीं होती है जब पूरी नहीं होती हैं तो फिर तकलीफ़ आती है और जब तकलीफ़ आती है तो यूँ समझिए जैसे कोई लोहे की सलाख लेके अपनी ही आँख में मारे ऐसे ही हम अपने मन को खुद सलाखें मार मार के घायल करते रहते हैं ये मुझे मिला नहीं ये चीज़ मुझे मिली नहीं मुझे किसी ने प्यार नहीं किया मुझे किसी ने पूछा नहीं मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं और वो इंपॉर्टेंस लेने के लिए और अपने आप को दूसरों की निगाह में अच्छा बनाने के लिए पड़े पापड़ बेल लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं बट एंड ऑफ जीवन में हताशा जीवन में फिर निराशा लेकिन ये निराशा है ये कबूल भी नहीं होगा तो अपने मन के घाव को हम गहरा करते रहते हैं और जितना मन में ये घाव गहरा होगा याद रहे आपका शरीर उतना ही अस्वस्थ हो जाएगा मेरा यह मानना है बीमारी आती नहीं हम लाते हैं बड़े प्यार से बुलाते हैं बीमारियों को हम बहुत अक्लमंद हैं ऐसे तो और काम हम सब वो करते हैं जो उल्टे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं जैसे सुबह ना जल्दी उठना आप कहोगे कि बड़ा मजा आता है जब देर तक सोए फिर क्या आप ये जानते हैं सूर्य उदय के बाद तक जो सोता है उसकी आयुष कम होती है आयुर्वेद का ये सूत्र है जो सूर्य उदय होने के बाद तक सोते रहते हैं उनकी जीवनी शक्ति कम होती है उनकी इम्यूनिटी कम होती है पर अजब चीज देखें लोग कहते बड़ा मजा है संडे को क्योंकि हम देर तक सोते हैं और छुट्टी मतलब कहते देर तक सोना और खूब सारा खाना खूब सारा खाना आप खा सकते हैं हमारा पेट जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है हम चाहें तो इसको इतना बड़ा कर दें कि हम दस आदमियों का खाना खा जाएं और डकार भी न लें और ये इतना छोटा हम कर सकते हैं कि हम बिल्कुल एक बच्चे जितना भोजन खाएं और फिर भी हम तगड़े और स्वस्थ रह जाएं और मज़ेदार बात यह है कि शरीर की शक्ति ऐसी भी है कि ये सिर्फ दिन में एक बार खाए और फिर भी स्वस्थ रह जाए शरीर को अब आप कैसे ट्रेंड करते हो ये आपके ऊपर है अति भोग करने से शक्ति का नाश ज्यादा होता है यू समझिए आपने कार खरीदनी है आप कार पुरानी खरीद रहे हैं सेकंड हैंड खरीद रहे हैं एक कार आपको मिलती है जो पाँच हजार किलोमीटर चली है एक कार आपको मिलती है जो चालीस हजार किलोमीटर में चली हुई है एक कार आपको ऐसी दिखती है जो एक लाख किलोमीटर चली हुई है आप कौन सी लेना पसंद करेंगे जो कम चली हुई हो जो कम चली हुई हो जिसका इंजन कम घिसा है वो गाड़ी अच्छी है जो लाख किलोमीटर चल गई उसमें अब बचाई क्या है मिलती भले वो बहुत सस्ती हो पर आप कहोगे भी फायदा कोई नहीं बाद में इसमें बैठ के धक्के ही लगवाने पड़ेंगे नहीं तो मैकेनिक के ही बैठना पड़ेगा सो so, ऐसे ही ये तुम्हारा शरीर भी एक कार की तरह है जितना ज्यादा खाओगे उतना पेट ज्यादा घिस रहा है उतनी ज़्यादा आंतों को मेहनत करनी पड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन की एब्जॉर्बन होती है पौष्टिकता शरीर में जज्ब होती है लार्ज इंटेस्टाइन से फीसिस जो है वो शरीर से बाहर निकलती है अब आप डालते जाएं और निकालते जाएं, डालते जाएं और निकालते जाएं, और मुंह से खाते जाएं और नीचे से निकालते जाएं, और जितना ज़्यादा इस सिस्टम को आप उपयोग करते हैं उतना ज़्यादा आपका शरीर बूढ़ा जल्दी होता है एजिंग प्रोसेस ज्यादा होती है और अगर कहीं इसके साथ आप कोई व्यायाम नहीं करते हैं पैदल नहीं चलते हैं या योग आसन नहीं करते हैं तो चांसेस ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ योर जॉइंट्स एंड मसल्स विल बी मोर जैसे हम उदाहरण दें महिलाओं को अक्सर 50 क्रॉस करते ही 50 साल के आजकल तो उससे पहले भी शुरू हो जाता है घुटनों में दर्द आ जाता है उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और साठ तक आते आते नी रिप्लेसमेंट्स बहुत जल्दी से आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे इसने भी करा लिया उसने भी करा लिया और जो जिसने ना कराया हो उसको पूछते अभी कराया नहीं तूने अच्छा करा लो करा लो बड़ा ठीक रहेगा अच्छे से चल फिर सकते हैं लेकिन एक बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन से मेरी बात हो रही थी तो वो कहने लगे कि हम चाहे नए घुटने डाल दें लेकिन वो ईश्वर के बनाए हुए घुटने का मुकाबला नहीं कर सकते हैं हम हिप रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं ऑपरेशन करते हैं नया हिप बॉल डाल देते हैं लेकिन ये नकली नकली है इसलिए उसके साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि गिली ज़मीन पे नहीं चले पैर टेढ़ा नहीं कर सकता है ज़मीन पे नहीं बैठ सकता है चौकड़ी नहीं लगा सकता है और अगर कहीं गिर गया और वजन हुआ जाएगा तो फिर से सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा तो सवाल ये उठता है कि घुटनों को बनाए रखने के लिए देर तक ये चलें उसके लिए इसकी रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए योग के आसनों में सूक्ष्म व्यायाम होता है जिसको हम ये कहेंगे कि आपके एंकल गिट्टा आपका घुटना और आपका ये जो हिप बॉल सॉकेट का ये जो हिस्से हैं ये जो, ये जो तीन और इधर आपकी ये गर्दन का ऊपर का हिस्सा इन चार पांच हिस्सों के खास व्यायाम है जिनको करने से इनकी इलास्टिसिटी बनी रहेगी इनके अंदर जो फ्लूड बना रहना चाहिए वो भी बना रहेगा और जो काटिलेज है वो भी जो है लंबे देर तक चल जाएगी उसमें दो चीज़ों का आ, अभ्यास होना चाहिए एक तो वो जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है वो ज़रूर सीखें और करें अब चूँकि हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं ऐसे तो प्रोग्राम नहीं था लेकिन मुझे यह लग रहा है कि कम से कम ये वाले सूक्ष्म व्यायाम कल जो हैं आपको जरूर सिखा दिए जाएं क्योंकि गोडे चलते रहेंगे तो आओगे नहीं तो घर बैठे रह जाओगे हम चाहते तुम आते रहो और चलते रहो हाँ और बैठ नहीं जाओ और ऑपरेशन की आवश्यकता तुमको ना पड़े तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है तो वायु की विकृति नहीं हो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मन को शांत रखना अगर आपका मन द्वेष की भावना में रहता है ईर्ष्या की भावना में रहता है इसने मेरे साथ ये बुरा किया उसने मेरे साथ 20 साल पुरानी बातों को अगर तुम कुरेद कुरेद के याद करते रहते हो तो तुम मालूम क्या कर रहे हो कि तुम्हारे लग गई चोट और अब चोट को तुम उंगलियों से कुरेद कुरेद करके उसमें खुजली करते रहो तो ये जख्म ठीक कभी नहीं होगा ये तो जख्म और खराब होगा ये और नासूर बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ बुरा बीता जरूर बीता होगा कुछ न कुछ है न कहानी सबके पास होगी मैं अभी तुमसे सुनने लग जाऊँ ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियां सुनाओगे कि क्या कहूं मैं आपको और हमको भी बड़ा मज़ा आए लेकिन चक्कर ये है, हम कहानियाँ सुनने लग जाएंगे तो फिर मैं मेरी बात कब करूँगी इसलिए मैं ये मानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं आपने ज़िंदगी में बहुत मुश्किल समय देखे हैं आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई विलन रहा है जिसकी वजह से आपको दुख रहा है अब क्या करना है अब ये करना है करिए इसको हाथ जोड़िए और आँख बंद करिए लेट्स डू इट दिस इज ए स्मॉल प्रैक्टिकल टू कम आउट ऑफ पेन एंड मिसरी हाथ जोड़िए और बंद आंख में आप अपने जिंदगी के उस विलन को अपनी आंखों के सामने लाइए जो भी हैं वो जो भी हैं uh, मर्द है औरत है जो भी है अब उसकी शक्ल एक बार आंखों के सामने लाइए और अपने आप उसको मुखातिब होकर के कहिए कि तुमने जो भी कुछ मुझे दुख दिए उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं मैं अपने मन में आज से तेरे लिए कोई घृणा नहीं रखूंगा तुमने जो किया वो अज्ञानतावश किया बेसमझी में किया और अब मैं समझदार होकर के इस कड़ी को यहीं तोड़ता हूँ यहीं काट देता हूं तुमने जो किया वो तुम्हारी अज्ञानता थी और मैं मेरे मन से पूरे दिल से तुमको क्षमा देता हूं अब अपने आप को देखिए खुद अपने आप को देखिए अपने आप को महसूस करिए और अब कहिए हे hey प्रभु अगर मैंने किसी को कष्ट दिया है अगर मैंने किसी को दुख दिया है अगर किसी के जीवन का विलन मैं हूँ तो मैं उन सभी व्यक्तियों से क्षमा मांगता हूँ कि मुझे भी माफ़ कर दीजिए मैंने गलती से आपका दिल दुखाया है मुझे खबर नहीं थी मुझे विवेक नहीं था मुझे समझ नहीं थी अनजान समझकर मुझे भी क्षमा कर दीजिए मैं अपनी अज्ञानता को स्वीकार करता हूँ स्वीकार करती हूँ आप कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए आप और हम सब ईश्वर के बच्चे हैं सब ईश्वर का स्वरूप है इसलिए अपने ही दांत से जब अपनी जीव कट जाए तो हम अपने दांत नहीं तोड़ देते ऐसे ही वो दूसरा जिसको हमने कष्ट दिया वो जिसको हमने कष्ट दिए दोनों को क्षमा अपने आप को क्षमा कर दो और दूसरे को भी क्षमा कर दो और दिल से कर दो एक बार एकदम दिल से कर दो विद ऑल सिंसैरिटी विद ऑल सिंसैरिटी हम अपने मन में कोई गांठ नहीं बांधेंगे हम किसी की बुराई को याद नहीं करेंगे हम किसी के दिए जख्मों को कुरे देंगे नहीं हमें क्षमा किया जाए और हम दूसरों को भी क्षमा करते हैं ठीक है बहुत अच्छे अब हम थोड़ा सा थोड़ा रुख मोड़ते हैं बात थोड़ी सीरियस हो गई हम वाह प्रेम से श्रवण करेगा ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਆ ਗਿਆ ਦਰ ਆਇਆ ਨੋ ਖਾਲੀ ਨਈਓ ਮੋੜਨਾ ਦਰ